नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बाबा को चढ़ाई खिचड़ी की देश में अमन चैन की कामना। बसपाइयों ने मनाया बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन। केक काटकर एक दूसरे को दी बधाइयां। जया वर्मा महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा विशेष बल। रेलवे बोर्ड ने द्वितीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल प्रशिक्षण का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। शिल्प मेले में लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। मार्बल की मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। टिकट बिक्री एवं आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे का टिकट जांच अभियान है जारी। और 16 जनवरी मौनी अमावस्या और 22 जनवरी को बसंत पंचमी के कारण जिले के सभी विद्यालय रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। आस्था परंपरा और उत्साह से ओतप्रोत प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला आज से शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद बाबा गोरखनाथ के अक्षय पात्र में खिचड़ी चढ़ाकर इसकी शुरुआत की। परंपरा अनुसार सबसे पहले नेपाल राजघराने की खिचड़ी चढ़ाई गई। राजघराने की ओर से वहाँ के राजपुरोहित द्वारा लाई गई खिचड़ी चढ़ाने के बाद आमजन ने बाबा को खिचड़ी चलानी शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के अनुसार सुबह होने तक करीब 2 लाख लोग बाबा को खिचड़ी चढ़ा चुके हैं। कड़ाके की ठंड भी आस्था पर भारी नहीं पड़ी। बड़े बुजुर्ग, जवान और महिलाएं, हर वर्ग के हजारों लोग विभिन्न प्रदेशों और नेपाल के दूरदराज इलाके से एक दिन पहले ही चलकर यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आए थे। पूरा गोरखपुर एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं से अटा पड़ा रहा। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में देश विदेश से आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे से पल पल की जानकारी ली जा रही है। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में घूमने जा रहे थे। तब वो ज्वाला देवी धाम को देखते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तब उन्हें देख कर ज्वाला देवी प्रकट हुई और ध्यान में अतिथि स्वीकार करने का आग्रह किया। वहाँ पर मधमास का भोग लगता था और गोरखनाथ जी योगी थे, लेकिन माँ ज्वाला देवी के आग्रह को नकार नहीं सके। माँ ज्वाला देवी ने गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि आप भिक्षा मांग कर अन्न ले जाइए। देवी ने पात्र में जल भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया, जो आज भी जल रहा है। लेकिन गोरखनाथ जी उस स्थान पर लौटकर नहीं पहुँचे। ये भ्रमण करते हुए गोरखपुर आ पहुँचे। त्रेता युग में ये क्षेत्र वन से घिरा हुआ था। गोरखनाथ जी को वनाच्छादित क्षेत्र तप करने के लिए अच्छा लगा और वो वहाँ तप करने लगे। भक्तों ने गुरु गोरखनाथ जी के लिए एक कुटिया बना दी। उन्होंने गोरखनाथ जी के पात्र में खिचड़ी चढ़ाना शुरू कर दिया। ये मकर संक्रांति की तिथि थी। बस तभी से हर साल गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। उसी समय से गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला भी लगता है। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ दीं। हमारे अपने हैं, हमारे नाथ जी, अपने गोरखनाथ जी। और जो
भोजन लिए हुए सिद्धार्थ नगर सेनवलिया की रहने वाली श्रीमती मीरा मिश्रा जी अगर आप हमारी आवाज़ सुन रही हो तो आपके श्रीमान जी हुए हैं आपकी सेवा। कोई भी समस्या हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो उसका निराकरण आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। माताओं के लिए उत्तर की तरफ से आने का मार्ग है, सभी का ध्यान रखें और कोई भी आग्रह ना करें, स्वयं सेवकों के निर्देश का पूरा अनुपालन करें।
Thank you.
नहीं मानते। मंदिर के पूरे भ्रमण के उपरांत मेला परिसर का आनंद उठाएं। संत विजयनाथ जी महाराज की, योगराज गंभीर नाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज की, शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। चल चला जाए, हो गया भाई। आज पर आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब का हृदय से हम स्वागत करते हैं। यह परम पुनीत अवसर है कि आप यहाँ पर नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म का ये एक महापर्व है। हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त तिथि। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से इस पर्व की महत्ता को देखते हुए ही इसे इतना महत्व दिया गया है। गोरखपुर में खिचड़ी संक्रांति के रूप में इसे मनाते हैं और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। कल भी और आज भी भारी संख्या में विपरीत मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुजनों ने आकर के भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई है। यह सिलसिला देर रात्रि तक चलेगा और इसके साथ ही एक माह तक चलने वाला मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। जिस आस्था के साथ सभी श्रद्धालुजन आकर के यहाँ पर शीतलहरी की विपरीत परिस्थितियों पर भी उनकी आस्था भारी पड़ी है, यह अविस्मरणीय है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में आस्था का यह ज्वार उत्तर प्रदेश के विकास में भी सहभागी बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश कि अपने सभी नागरिकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि संकल्प हम लोग लें इस अवसर पर कि अवसर हम सबके परिश्रम से पुरुषार्थ से प्रदेश को सुख समृद्धि और खुशहाली की ओर लेकर के जाएगा। सभी प्रदेशवासियों के प्रति मेरी शुभकामनाएं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते।
जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार। दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार। वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु श्री गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी की परंपरा काफी पुरानी है। हर बार की तरह इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा गुरु श्री गोरखनाथ को पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ खिचड़ी चढ़ाई। इस बार बाबा के दर्शन करने और उन्हें खिचड़ी चढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी नजर आए। सर पर अपने समुदाय की टोपी और कांधे पर भगवा वस्त्र धारण कर और हाथ में खिचड़ी लिए वो काफ़ी देर तक लंबी कतार में लगे रहे। उनकी बारी आने पर उन्होंने भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा गुरु श्री गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। मुस्लिम समाज के इरफान, हाजी अयूब, जावेद और मोहम्मद आमीन का कहना है कि देश में अमन चैन बना रहे और योगी आदित्यनाथ देश के सभी राज्यों में से सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित हों, ऐसी कामना लेकर वो बाबा को खिचड़ी चढ़ाने आए हैं। निर्व्यसनी हो, स्वस्थ और समर्थ समर्पित लोग हो जो राज्य की सेवा में निरंतर। स्मृति भवन के ठीक सामने प्रसाद व्यवस्था बनी हुई है श्री गुरु अक्षपीठ की ओर से उस प्रसाद। जिला बहुजन समाज पार्टी द्वारा सोमवार को गोरखपुर क्लब में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य पार्टी के जोन इंचार्ज एवं पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार, विशिष्ट अतिथि विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री देव नारायण उर्फ GM सिंह, हरिधर यादव, राजकुमार, श्रवण कुमार, मेहताब आलम, रामदेव पासवान, ब्रजेश कुमार, हरिप्रकाश निषाद सहित बसपा के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के चित्र के समक्ष केक काटकर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाइयां दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा, आप लोग वो पीछे कुर्ती और भी है, कुर्ती आपकी Thank you.
काटने का काम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय घनश्याम चंद खरवार साहब जो मुख्य जो माननीय श्रवण कुमार निराला जी मेहता मानन साहब हरिप्रकाश झा जी विनोद बिल्ला जी सहित राजेश पांडे जी और अब आप लोग मैं नारा दूंगा बहन कुमारी मायावती जी के नाम पर गगन भेदी नारा लगना चाहिए, ऐसा नारा लगना चाहिए कि जो गोरखपुर के चारों तरफ ये जो टाउन हॉल है ये बाबा साहब का भी सदन हो रहा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे नेता सामाजिक परिवर्तन की महानायिका उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की चार चार बार बनी मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपने जीवन के 62 बसंत देखे हैं। आज का ये दिन बहुजन समाज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ऐसे अवसर पर हम गोरखपुर जिला के तरफ से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु की कामना करते हैं और साथ साथ यह भी कामना करते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं की भी उम्र बहन जी को लगे और इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ें और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। आज ऐसे पावन अवसर पर इस देश के अंदर जो बीमार हैं जो गरीब हैं जो लाचार हैं उनको हम शुभकामना ये इस बात का देते हैं कि उनको तरक्की करने का अवसर मिले, जो लाचार हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, जो बीमार हैं वो जल्दी ही स्वस्थ हों और आने वाले दिनों में जो हमारे देश की हालत बदतर होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हर जगह पर हर आदमी इस देश का डरा सहमा नज़र आता है। ऐसे अवसर पर हम देशवासियों से अपील करेंगे कि आने वाले दिन में जब भी लोकसभा का चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके बहन कुमारी मायावती जी को भारी बहुमत से लोकसभा में भेजें और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम अपने तरफ से आप सभी साथियों का सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और माननीय बधाई देते हैं। सुश्री जया वर्मा महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा विशेष बल रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने 15 जनवरी को द्वितीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र रजही कैंप गोरखपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सुश्री वर्मा ने शास्त्रगार के यशोचित रख रखाव एवं चांदमारी फायरिंग रेंज के सौंदर्यकरण एवं विस्तारीकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने द्वितीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र प्रांगण में मानसरोवर प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। निरीक्षण के दौरान महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा विशेष बल रेलवे बोर्ड जिया वर्मा ने प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में आप सभी को पूरी निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानवाधिकार सॉफ्ट स्किल जेंडर सेंसिटाइजेशन आदि विषयों पर जोर देने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा विशेष बल रेलवे बोर्ड ने द्वितीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बल के सदस्यों के परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। उन्होंने रेलवे सुरक्षा विशेष बल के फैमिली लाइन का भी निरीक्षण किया और बल सदस्यों के परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। गोरखपुर महोत्सव के अवसर पर लगाया गया शिल्प मेला बुक फेयर ट्रेड फेयर के लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। शिल्प मेले में जहां भदोई की कालीन रंग जमा रही है वहीं दूसरी ओर बुक फेयर में किताबें पाठकों का मन मोह रही हैं। शिल्प मेले में हरिद्वार से आए ऊनी कपड़ों की जैकेट लोगों को खूब भा रही है। इसमें क्षेत्रीय गांधी आश्रम के कंबल ऊनी चादर कुर्ता भी है। इसके अलावा दूर दूर से आए शिल्पियों के कपड़े लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जयपुर से आए दुकानदार ने बताया कि मार्बल से बनी मूर्तियां और अन्य प्रतिमाएं लोगों को खूब भा रही हैं।
सामने देखो में मार्बल से सारी मूर्ति बनी हुई है, ये सब सिंगल स्टोन से बनी हुई है, हैंडमेड है, सब हाथ की कारीगरी है। किस प्रकार की मूर्ति है, क्या क्या है इसमें? इसमें लॉइन है, एलिफेंट है, काऊ है, गणेश जी की प्रतिमा है, बुद्ध की है, फाउंटेन है, और सभी गॉड की प्रतिमा है और फाउंटेन वगैरह सारे हैंडमेड है, हाथ की कारीगरी है सब, हस्तशिल्प है। कहाँ से है? हम लोग जयपुर से आए, मीनाकारी वर्क, जयपुर का फेमस है मीनाकारी वर्क। मीनाकारी वर्क का आइटम भी है हमारे पास, लैंप वगैरह है, फ्लावर वाज वगैरह है, सभी मीनाकारी वर्क में है, जयपुर का फेमस है। कब तक रहेंगे हम लोग? 17 तक है, 17 तक। पूर्वोत्तर रेलवे टिकट बिक्री एवं आय में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर संपूर्ण पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आलोक सिंह के निर्देश में लगातार टिकट जांच अभियान के क्रम में 13 जनवरी को गोरखपुर बढ़नी रेलखंड में विशेष टिकट जांच अभियान आयोजित किया गया। टिकट जांच अभियान के दौरान 66 बिना टिकट अनियमित टिकट वाले यात्रियों से किराए एवं जुर्माने के रूप में 23,440 रुपये रेल राजस्व की वसूली की गई। बिना टिकट यात्रा की रोकथाम एवं टिकट बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान निरंतर होते रहेंगे। 16 जनवरी को मौनी अमावस्या और 22 जनवरी को बसंत पंचमी के कारण जिले के सभी विद्यालय रहेंगे बंद। ये जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सागरपति त्रिपाठी ने दी है। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बाबा को चढ़ाई खिचड़ी की, देश में अमन चैन की कामना। बसपाइयों ने मनाया बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन, केक काट कर एक दूसरे को दी बधाइयां। जया वर्मा महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा विशेष बल, रेलवे बोर्ड ने द्वितीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल प्रशिक्षण का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। शिल्प मेले में लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी, मार्बल की मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। टिकट बिक्री एवं आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे का टिकट जांच अभियान है जारी। और 16 जनवरी मौनी अमावस्या और 22 जनवरी को बसंत पंचमी के कारण जिले के सभी विद्यालय रहेंगे बंद। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।